Hello everyone, welcome to my channel. The topic of discussion for today is equal product curves, या फिर इसे isoquants भी कहते हैं. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे what is marginal rate of technical substitution. तो start करते हैं पहले meaning से. Now जैसे कि आप देख सकते हैं isoquant और equal product curve और iso product curve और production indifference curve. ये चार नाम हैं जो जिन चारों नामों से ही ये चीज़ पहचानी जाती है, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स या फिर आइसोक्वेंट्स और इनडिफरेंस कर्व. आपने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में जब वाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग, तो ये जो इनडिफरेंस कर्व था जिसमें एक कंज्यूमर दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ चूज़ करता है जो कि उसे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देती हैं, वो हमने इनडिफरेंस कर्व में पढ़ा था. वही सेम चीज़ यहाँ पर है, आइसो प्रोडक्ट कर्व या फिर इनडिफरेंस कर्व प्रोडक्शन वाला. उसमें हम यही पढ़ते हैं कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो दो फैक्टर्स देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, दैट विल गिव सेम टोटल आउटपुट. इनडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था दो कमोडिटी जिससे हमें टोटल अमाउंट या इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है. यहाँ पर हम पढ़ते हैं दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें टोटल आउटपुट मतलब इक्विवेलेंट आउटपुट देते हैं. वो इसकी तरह बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे कंज्यूमर है, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन है और यहाँ पे आउटपुट है. तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेबल के ऊपर जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. नाउ फैक्टर एक्स, सपोज़ ये एक्स है, इसे हम कुछ भी समझ लें, लेबर समझ लें, कैपिटल समझ लें. सपोज़ ये लेबर है, वन लेबर और वन वाई फैक्टर, या फिर इसे हम मशीनरी समझ लें. एक एक्स का यूनिट लग रहा है, एक दस वाई के यूनिट लग रहे हैं, तो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है. फिर दो एक्स यूनिट लग रहा है, सात वाई यूनिट लग रहे हैं, तब भी 50 का प्रोडक्शन हो रहा है. तीन यूनिट एक्स के लग रहे हैं, पाँच यूनिट वाई के लग रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स 50. यहाँ पर चार यूनिट एक्स है, चार यूनिट वाई है, देन ऑल्सो इट्स 50. अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने हैं, 1 in 10 का कॉम्बिनेशन, 2 in 7 का कॉम्बिनेशन, 3 in 5 का कॉम्बिनेशन, 4 in 4 का कॉम्बिनेशन, बट जो आउटपुट है दैट इज़ इक्वल. तो उसमें हम यही पढ़ते हैं दो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट दें, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो निकल गया है. इसे हम आइसोक्वेंट्स भी कहते हैं, इसे इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, इसे आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं और इसे प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व भी कहते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज. अब हम आ जाते हैं कर्व के ऊपर. सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओ एक्स फैक्टर एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं फैक्टर एक्स, मतलब एक्स वाली जो हमारा इनपुट है, और ओ वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं फैक्टर वाई, मतलब जो y वाला हमारा इनपुट है. अब इसमें आने के बाद हम ये अज्यूम करते हैं कि किस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कैसे बताता है, कैसे क्या हमें कितना कॉम्बिनेशन से कितना आउटपुट मिलता है वो कि इक्विवेलेंट हो सकता है. अब पहला वाला कॉम्बिनेशन जो कि पॉइंट B है, ये जो AD है ये हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व है. पॉइंट B एक पहला कॉम्बिनेशन है जिसपे हम ओ एम अमाउंट ऑफ एक्स यूज़ कर रहे हैं एक्स फैक्टर, और ओ एन हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टर वाई. जब इन ओ एम और ओ एन को जब मर्ज कर रहे हैं तो बी निकल के आ रहा है. ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जिसमें हम ओ एम वन पॉइंट पर जो ये सी है ये दूसरा कॉम्बिनेशन है. इसमें हम ओ एम लेवल ऑफ फैक्टर एक्स यूज़ कर रहे हैं और ओ एन वन किसका यूज़ कर रहे हैं फैक्टर वाई का. ये दूसरा कॉम्बिनेशन पर भी देखिए हमें सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट या सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोक्वेंट्स. इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ जस्ट लाइक योर इनडिफरेंस कर्व. इसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि वो कितना अमाउंट ऑफ लेवल और कितना आउटपुट हील्ड कर रहे हैं. अब पॉइंट सी भी इसी कर्व में हमें यही बताता है कि जितना आपको बी लेवल पर मिल रहा था उतना ही आपको यहाँ पे सी लेवल पर एडी कर्व में मिल रहा है. अब कुछ टेक्निकल कंडीशंस हैं जिसमें हम फैक्टर एक्स को उसके हिसाब से यूज़ करते हैं, कहीं फैक्टर वाई को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं फैक्टर एक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ये कुछ टेक्निकल कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से हम चीज़ें अपनी इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें आउटपुट मिल के आता है.
अब हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करते हैं कि जो भी हमें टेक्निकल प्रोडक्शन की जो कंडीशंस मिल रही हैं वो कांस्टेंट हैं. अब इसे कहा जाता है आइसो प्रोडक्ट कर्व्स को कि ये इंडिफरेंस कर्व की ही तरह होते हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व में एक फ़र्क है. पहली बात तो ये कि हम इन्हें मेजर तो कर सकते हैं, लाइक आउटपुट जो है उसको मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ किलो, क्विंटल, मेट्रिक टन, मेट्रिक मीटर्स, लीटर, इन सब चीज़ों में हम अपने आउटपुट को मेजर कर सकते हैं. बट जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हम मेजर नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन एनी यूनिट. तो इंडिफरेंस कर्व में जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फैक्टर एक्स का कितना यूज़ करें, फैक्टर वाई का कितना यूज़ करें और टोटल आउटपुट जो कि इक्वल आना चाहिए, ये कॉम्बिनेशंस है और ये आउटपुट है. अब आउटपुट को तो मेजर कर सकते हैं, कितना किलो आउटपुट आया, कितना टन आउटपुट आया, कितना क्विंटल आउटपुट आया. वहीं जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट होता है, उसमें हम कमोडिटी एक्स कितनी यूज़ कर रहे हैं, कमोडिटी वाई कितनी यूज़ कर रहा है और उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है एक्स को यूज़ कर कर वाई को यूज़ करके. तो ये तो कमोडिटीज़ होती थी इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक में. जो इधर होता था वो था हमारा सेटिस्फैक्शन जो कस्टमर को मिल रहा है. वी कैन नॉट मेजर दैट. इसी कोई यूनिट नहीं है जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सके. तो एक यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, आइसोक्वेंट्स के बीच में और इंडिफरेंस कर्व के बीच में. सिर्फ ये डिफरेंस बिटवीन है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है. वहाँ पर दो कमोडिटीज़ होती थी, यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई. अब आ जाती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हम पढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस तरह से स्लोप बन रहा है, लेफ्ट टू राइट स्लोप कर रहा है. इसका मतलब यही होता है कि बोथ फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई बढ़ते हैं, कम होते हैं नो मैटर, बट वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स कम है वाई ज़्यादा है, यहाँ पर एक्स ज़्यादा है वाई कम है, बट जो आउटपुट है वो सेम है, दैट इज़ 50 यूनिट्स. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग करने का मतलब ही यही है कि जो फैक्टर्स है वो बढ़ घट सकते हैं बट जो आउटपुट है दैट इज़ इक्विवेलेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ लाइंग टू राइट रिप्रेजेंट्स लार्जर आउटपुट. जितना राइट की तरफ लाई करेगा उतना ज़्यादा आउटपुट है, ये हमें पता चलता है. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ आइसोक्वेंट्स ने वो इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी आइसोक्वेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. देन कम्स थर्ड पिन पॉइंट, सॉरी फोर्थ, नो आइसोक्वेंट्स कैन टच आइदर एक्सिस. कोई भी आइसोक्वेंट एक्सिस, चाहे वो ओ वाई एक्सिस हो या ओ एक्स एक्सिस हो, एक्सिस को टच नहीं कर सकते. अगर वो एक्सिस को टच करने लगे तो उसका यही मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसी एक की ही मदद से बन रहा है, या तो वो सिर्फ एक्स की मदद से बन रहा है, सपोज हम एक्स पे लेबर मान सकते हैं, या तो सिर्फ लेबर की मदद से बन रहा है. तो दिस इज समथिंग लॉजिकल एब्सर्डिटी. हम कभी भी किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है. हम सिर्फ लेबर की मदद से अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो इसीलिए एक ये पॉइंट है कि आइसोक्वेंट्स जो है वो एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर सकते. अब अभी आपने पढ़ा इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, अब इसके साथ ही हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. आपको याद होगा जब आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा था तो उसमें मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था. जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब MRS आपने वहाँ पे पढ़ा था, वहीं उसका बिल्कुल सिमिलैरिटी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS. अब इसमें होता क्या है, पहला पॉइंट, द रेट एट विच अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर एट द मार्जिन विदाउट अफेक्टिंग एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड MRTS. MRTS क्या होता है, ये एक ऐसा रेट होता है जिसपे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मगर इसमें आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, आउटपुट शुड बी सेम. सेकेंड पॉइंट, MRTS फॉर फैक्टर एक्स फॉर फैक्टर वाई मे बी डिफाइंड एज क्वान्टिटी ऑफ वाई फॉर विच वन यूनिट ऑफ एक्स इज अ सब्स्टिट्यूट इफ़ द आउटपुट इज टू केप्ट अनचेंज्ड. MRTS फैक्टर एक्स का फैक्टर वाई के लिए कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि कितनी क्वान्टिटी ऑफ वाई एक यूनिट ऑफ एक्स की सब्स्टिट्यूट है जब आउटपुट को अनचेंज रखा गया, मतलब आउटपुट इज कॉन्स्टेंट.
Third point says the substitution of a factor is to take place without any change in volume of output of the firm. ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तीनों पॉइंट में यही सेम बात लिखी है कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. हम अपने फैक्टर को एक दूसरे के हिसाब से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ये चीज़ अब आपको समझ में आएगी इस टेबल से. आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी लेबर 1, 2, 3, 4 कैपिटल 15, 12, 10, 9 आउटपुट 100 यूनिट कांस्टेंट है. एमआरटीएस पे मैंने लिखा है सी फॉर एल मतलब कैपिटल फॉर लेबर. अब आते हैं थोड़ा समझते हैं. ए कॉम्बिनेशन भी 1 लेबर लग रहा है, कैपिटल 15 लग रहा है, एमआरटीएस इज निल. बी कमोडिटी पे 2 लेबर के साथ 12 का कैपिटल है, ये 3:1 कैसे आया? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सी फॉर एल मतलब कैपिटल फॉर लेबर. कैपिटल का कितना है? 12 में से 3 गए, सॉरी 12 में से 15 में से 12 गए, बचे 3, तो ये 3 है क्योंकि सी फॉर एल है. और यहाँ पे 2 में से 1 मतलब 1, तो यहाँ पे 3:1 आ गया. सी कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं तो 3 लेबर है, 10 कैपिटल है, एम आर टी एस हमारा सी फॉर एल है, मतलब 12 - 10 = 2, यहाँ पर 3 - 2 = 1 = आंसर हमारा 2:1 हो गया. डी वाले कॉम्बिनेशन में 4 लेबर हैं, 9 कैपिटल है, यूनिट सेम है आउटपुट की, एम आर टी एस हमारा आ जाएगा 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ 4 में से 3 गए तो 1, तो 1:1. तो ये एक एम आर टी एस एक रेट है जिस हिसाब से हमारे सब्सिट्यूट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर उनका आउटपुट जो है बिल्कुल सेम है, नो मैटर हम किस में कितना इंक्रीमेंट करें, किस में कितना डिक्रीमेंट करें. अब हम आ जाते हैं अपने इस कर्व के ऊपर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब इस कर्व में हम मेजर कर रहे हैं ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ओ वाई एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कैपिटल. अब हम बात करते हैं पी पॉइंट की. ये पी पॉइंट का जो आउटपुट है ये ओ एन और ओ एम से बना है. ओ एम यूनिट्स ऑफ लेबर और ओ एन यूनिट्स ऑफ कैपिटल से ये पॉइंट ऑफ पी यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है. एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन है ये वाला. यहाँ पर ओ आर हम कैपिटल ले रहे हैं और ओ टी हम ले रहे हैं लेबर. अब ये भी हमारा आउटपुट है क्यू लेवल पे. तो हम देख सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर कर्व पे ही यहाँ पे भी हम आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी हम आउटपुट मिल रहा है. टोटल आउटपुट कितना है? 100. आउटपुट इज 100. यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं? ओ एन एंड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ओ एन एंड ओ एम. और यहाँ क्यू वाले पे हम क्या यूज़ करें? हम यूज़ कर रहे हैं ओ आर एंड ओ टी. लेवल सेम है, 100 का ही मिल रहा है, बट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन दूसरा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दूसरा है. दो अलग अलग कॉम्बिनेशन होने के बाद भी जब सेम का आउटपुट मिलता है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन आर यूनिट ऑफ लेबर ने क्या कर दिया? एम टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया. यहाँ पे हम एन आर ले रहे थे और यहाँ पे एम टी ले रहे. इस पी वाले पर पहले ये वाला एन आर चल रहा था, बट बाद में इसको सब्स्टिट्यूट किसने कर दिया? इस वाले ले, मतलब कि ओ एन टी. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगता रहता है. वही अभी थर्ड केस बन जाएगा जिसमें हम और भी कोई अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती तो हम उसमें और पॉसिबिलिटीज़ भी शो कर सकते थे. नाउ दिस इज सिंपल पॉइंट क्यू ऑन द सेम कर्व शोज द सेम आउटपुट ऑफ 100. पॉइंट क्यू हमें बताता है, जिस पॉइंट पी बता रहा था कि वो 100 यूनिट बना रहा है, वहीं वैसे उसी तरह से सेम कर्व पे ही हमें क्यू भी बता रहा है कि जो आउटपुट है वो 100 यूनिट का ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसमें जो हम लेबर यूज़ कर रहे हैं वो है ओ टी और जो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं वो है आर ओ, मतलब कि ओ ओ टी का लेबर है एंड आर ओ का कैपिटल है. मतलब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन जो हुआ है तो सेम ही लेवल पे
अलग कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब यही है कि एनआर वाले जो पहली वाली पॉसिबिलिटी में था उसने रिप्लेस कर दिया है. किसने रिप्लेस किया उसको? उसे रिप्लेस किया है एमटी ने, मतलब इस वाले ने. तो आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा. दिस इज़ जस्ट लाइक एमआरएस जो आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ा था, वो था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. आज हम की वीडियो में हमने पढ़ा इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स और आइजोक्वेंट्स, जिसके बारे में हमने मीनिंग पढ़ी, टेबल पढ़ा, कर्व पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी. उसी तरह से आज हमने पढ़ा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा, टेबल पढ़ा एंड कर्व पढ़ा. सो विद दिस हमारा प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है. द नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन कॉस्ट्स, और कॉस्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, शुरू हो जाएगी बननी, बिकॉज इट इंक्लूड्स लॉट नंबर ऑफ टॉपिक्स जिसका क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. So thank you guys for watching the video and do subscribe the channel, do like, do share and give it a thumbs up. Don't forget to share it to your friends if it's helpful for you. Oh, thank you guys for watching the video.